नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। देखो, जैसा कि आपको पता है कि फेज वन से लगातार हम लोग देख रहे हैं एक टॉपिक जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो है आवर्धन। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आपके प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से कितनी गुनी है। बहुत ध्यान सुनना, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से कितनी गुनी है। तो अभी 5 मिनट की इस वीडियो में मैं आपको उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, हर एक का मैग्निफिकेशन बताता हूं और ऐसा क्यों होता है यह भी बताता हूं, बस ध्यान दीजिएगा। तो पहले देखिए, सामने आप लोगों को मैंने मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन लिख दी। अगर कोई पूछे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो कहना ऊपर रख दीजिए सर प्रतिबिंब की लंबाई और नीचे रखिए वस्तु की लंबाई, नीचे रखिए सर वस्तु की लंबाई। तो मेरे भाई, प्रतिबिंब की लंबाई होती आई, वस्तु की लंबाई होती ओ, तो आई अपॉन ओ कह दीजिए, या फिर आप कह सकते हो कि इसको हम लोग वी बटे यू भी कर सकते हैं, इसे हम लोग वी बटे यू भी कर सकते हैं। ओके, यहां पर ये जो वी है ना, ये प्रतिबिंब की दूरी है। अगर कोई पूछे वी क्या है, तो कहना ये वी है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तुम्हारी वी है। अगर कोई पूछे कि सर ये यू क्या है, तो कह देना यू तुम्हारा वस्तु की दूरी। तो पहले तो आपको ये बेसिक बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। फिर सवाल ये उठता है कि छोटा बराबर, बड़ा सीधा उल्टा, इन सब के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया कि मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि वस्तु या प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा, यही तो है। तो अगर अगर वस्तु या यू कहिए कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, तो जहां पर बराबर लिखा हुआ है टड़े, तो मैग्निफिकेशन वहां वन होता है, बराबर है वन है। लेकिन अगर प्रतिबिंब छोटा है, तो ध्यान रखना मैग्निफिकेशन एक से छोटा होगा। और अगर यदि प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, तो ध्यान रखना मैग्निफिकेशन एक से बड़ा होगा। ओके, ये सारी की सारी बातें जो मैंने लिखी है, ये प्रतिबिंब की रिस्पेक्ट में लिखी है। मतलब प्रतिबिंब छोटा है तो क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा है तो क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा है बराबर है तो क्या होगा। फिर आता है कि प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है। तो सीधा होते समय ध्यान रखना मैग्निफिकेशन आपका प्लस में जाता है, यानी पॉजिटिव जाएगा। अब सीधे के साथ वो बड़ा है, छोटा है, बराबर है, डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कहीं उल्टा लिखा हुआ चढ़े, तो ध्यान रखना यहां मैग्निफिकेशन माइनस में जाएगा, यानी निगेटिव में जाएगा। ओके, एक तो ये पॉइंट याद कर लो। अब इसके बाद मैं आप लोगों को अलग अलग तरह की चीजें बता देता हूं। जैसे कि पहले मैंने देखिए आपके सामने दर्पण लिया है, और दर्पण के मैं सारे के सारे टेस्ट बता देता हूं। जैसे कि समतल दर्पण, समतल दर्पण हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, तो अगर मैं पूछूं कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो कह देना बच्चा ये बराबर बनाता है, बराबर बनाता है। उसी के साथ साथ ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चा समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब भी बनाया, और समतल दर्पण ने सीधा प्रतिबिंब भी बनाया। तो बराबर बनाया इसलिए मैग्निफिकेशन वन, और चूंकि सीधा भी बनाया है इसलिए प्लस वन। तो समतल दर्पण का हमेशा मैग्निफिकेशन प्लस वन होता है। ओके, आगे देखिए, बात अगर उत्तल दर्पण की करते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है सर, तो कहना उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है, और छोटे के साथ ध्यान रखना वो सीधा होता है, वो सीधा होता है। हालांकि आभासी भी होता है, लेकिन यहां आभासी का उतना ज्यादा रोल नहीं है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब ध्यान रखना छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। तो बच्चा एक तो सीधा हुआ इसलिए m का मान पॉजिटिव में जाएगा, सीधा हुआ इसलिए पॉजिटिव में जाएगा, और दूसरा देख लो छोटा हुआ है इसलिए इसमें m का मान 8 से कम होगा। तो ये दो कंडीशन तुम्हारी उत्तल दर्पण के लिए लगती है। अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चा, अवतल दर्पण सबसे ज्यादा कठिन केस, क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कई बार छोटा भी बनता है, इसमें प्रतिबिंब कई बार छोटा भी बनता है। मैं कंप्लीट लिख देता हूं, तो इसमें प्रतिबिंब कई बार छोटा भी बनता है और कई बार बड़ा भी बनता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। और कई बार बराबर भी बनता है, याद रखिएगा कई बार अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और कई बार उल्टा भी बनाता है, सीधा ही बनाता है उल्टा ही बनाता है। और मेरे भाई अवतल दर्पण ध्यान रखना कई बार आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और कई बार वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये सारी की सारी क्वालिटी तुम्हारे अवतल दर्पण में होती है, यहां से लेकर यहां तक ये सारी चीजें अवतल दर्पण करता है। इसीलिए जब भी कभी अवतल दर्पण का तुमसे मैग्निफिकेशन पूछा जाता है कि बताइए अवतल दर्पण का मैग्निफिकेशन क्या है, तो याद रखना छोटा भी बना रहा है इसलिए 1 से कम भी होता है अवतल दर्पण,
बराबर भी बना रहा है इसलिए एक के बराबर भी होता है, बड़ा भी बना रहा है इसलिए एक से बड़ा भी होता है। ये सारे केस पॉसिबिलिटी है अवतल दर्पण में। उसके अलावा ध्यान रखना अवतल दर्पण सीधा भी बना रहा है इसलिए पॉजिटिव भी होता है, उल्टा भी बना रहा है इसलिए निगेटिव भी होता है। ओके, तो ये सारे के सारे आवर्धन कह सकते हो अवतल दर्पण के साथ भी आते हैं। अब सवाल ये है कि जब मैं इसमें लेंस को ऐड करता हूं तो लेंस को ऐड करने के लिए मुझे ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी, बस उल्टा कर देना है। उल्टा कर देने का मतलब उत्तल दर्पण जो टेस देता है, जो टेस उत्तल दर्पण देता है वही सेम टेस धार रखना बच्चा अवतल लेंस देता है, वही सेम टेस धार रखना अवतल लेंस देता है। ओके, अब दर्पण में आइए, अवतल दर्पण में आइए। तो अवतल दर्पण मैंने कहा सारे प्रतिबिंब बनाता है इसलिए एक से छोटा एम का मान, बराबर बड़ा, सीधा और उल्टा भी बना रहा है इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव भी। तो जो टेस अवतल दर्पण देता है वही सेम टेस्ट जो है, वही सेम टेस्ट कह सकते हो उत्तल लेंस भी देता है, वही सेम टेस्ट उत्तल लेंस भी देता है। ओके, तो अवतल दर्पण उत्तल लेंस का उल्टा होता है। जब ये उत्तल दर्पण अगर कोई पूछे तो कह देना उत्तल दर्पण अवतल लेंस का उल्टा होता है। तो यहां पर ये सारे टेस्ट है। अब देखो सर यहां तक तो फिट से, लेकिन अगर अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा तुम आंसर बताना चाहोगे तो ये डिपेंड करता है तुम्हारी कंडीशन पर, डिपेंड करता है कंडीशन पर कि कैसी कंडीशन का सवाल पूछा जा रहा है। जैसे पिछली बार उत्तल लेंस में एक सवाल आया था कि वस्तु अगर 2F पे रखी हो तो बताइए आवर्धन कितना है, तो यहां पर हम लोग फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अवतल दर्पण की कंडीशन मुझे बता दो, ध्यान से सुनना, अब मैं आपको और एक कंडीशन बता रहा हूं। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब भी कभी वस्तु कहां कहां रखी होती, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वस्तु हमारी इनफाइनाइट पे रखी हो सकती है, वस्तु हमारा इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखी हो सकती है, और आगे आइए वस्तु सेंटर पे रखी हो सकती है दोस्त, फिर वस्तु जो है क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखी हो सकती है, वस्तु जो है हमारी कह सकते हो फोकस पे रखी हो सकती है, ऐसे ढेर सारे टेस आ सकते हैं। फिर उसी तरह से वस्तु देखो फोकस और पोल के बीच में रखी हो सकती है। ये सारे के सारे केस तुम्हारे अवतल दर्पण के हैं। ओके, हर अलग केस में आवर्धन अलग अलग होगा। जैसे कि जब इनफाइनाइट पे रखी होती वस्तु तो प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पे बनता है, लेकिन छोटा बनता है इसलिए एट से कम, इसलिए एट से कम छोटा बनता है, और उल्टा भी बनता है इसलिए एम का मान यहां नेगेटिव भी होगा। ये पहला वाला केस। अगर वस्तु इन्फाइनाइट और सेंटर के बीच में है, इन्फाइनाइट और सेंटर के बीच में, तो वस्तु बनता है प्रतिबिंब बनेगा सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, प्रतिबिंब बनेगा सूत्र, ये मैं लिख रहा हूं प्रतिबिंब, यहां पर लिखा जा रहा है प्रतिबिंब। तो देखो प्रतिबिंब सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनेगा, और प्रतिबिंब अगर सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनता है तो यह प्रतिबिंब हमारा छोटा होता है, यह भी प्रतिबिंब छोटा होता है, इस बात को याद रखिएगा। हरा फोकस में जब भी कभी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा छोटा होगा, तो यह भी छोटा होता है और उल्टा होता है इसलिए एम का मान निगेटिव। लेकिन अगर वस्तु सेंटर पे है तो प्रतिबिंब सेंटर पे ही बनता है दोस्त, लेकिन यहां पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है इसलिए एम का मान वन, और उल्टा तो होता ही होता है इसलिए एम का मान निगेटिव। अगर वस्तु सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखी है तो क्या होगा, तो कहना अगर सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब बनता है इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, यहां पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा हो जाता है इसलिए एक से ज्यादा, और उल्टा तो रहता ही रहता है एम का मान निगेटिव। यदि वस्तु फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब बनता है सेंटर पे, समझिए बात को, और सेंटर पे बना है तो देख लीजिए एम का जो मान हो जाएगा, पहली बात तो बड़ा बनता है, वस्तु फोकस पे रखी है इनफाइनाइट प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे बन रहा है, बड़ा बनता है, तो बड़ा बनता है तो एम का मान एक से ज्यादा, लेकिन अभी भी उल्टा ही बनता है इसलिए एम का मान निगेटिव। वस्तु अगर पोल और फोकस के बीच में रखी है तो हमेशा ध्यान रखना है यहां पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अच्छा प्रतिबिंब बनता कहां है तो कह देना यहां बनता है तुम्हारा दर्पण के पीछे, ये वाला टेस है दर्पण के पीछे वाला टेस, ये वाला टेस है दर्पण के पीछे वाला टेस। लेकिन लास्ट वाला केस में भी प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कैसा बनता है बड़ा, दर्पण के पीछे बनता है दोस्त, लेकिन बड़ा बनता है। उसके अलावा बड़ा बनता है और इसमें प्रतिबिंब बनता है, लास्ट वाले केस में प्रतिबिंब बनता है सीधा, इसलिए एम का मान पॉजिटिव। आप गौर से देखिए तो ये सारा का सारा आंकड़ा ये बताता है कि अवतल दर्पण में एम का मान पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है। एम का मान देखो एक से छोटा, एक से छोटा, एक से एक के बराबर, एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से बड़ा।
तो ये सारे के सारे टेस्ट कह सकते हो अवतल दर्पण में पॉसिबल है, डिपेंड करता है कंडीशन में। सेम तरीके से जब अवतल दर्पण की हमने कंडीशन पढ़ ली तो सेम तरीके से हमें उत्तल लेंस की भी कंडीशन पता है होनी चाहिए। अब तुम्हें अगर उत्तल लेंस की कंडीशन पता है तो तुम उत्तल लेंस के बारे में भी सारा आंकड़ा बता दोगे। अगर तुम्हें ये सारे लेंस की कंडीशन जाननी है कहां पर कैसे होता है उत्तल लेंस की, तो लास्ट में मैं एंड स्क्रीन पे एक वीडियो लगा देता हूं लाइव चैप्टर का, उसको देख लीजिएगा तो आप उत्तल लेंस को भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी, आपने आवर्धन को ढंग से समझा कि नहीं समझा, आवर्धन कहां छोटा होता है, कहां बड़ा होता है, कहां पॉजिटिव होता है, कहां नेगेटिव होता है, उनका मतलब क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चीज आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए।